टेक्निकल कॉम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे माउस के बारे में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम रोजाना आप तक नए वीडियो पहुंचाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे माउस का परिचय, माउस का आविष्कार, माउस की संरचना तथा माउस के प्रकार के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो देखते रहे पूरी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं माउस के परिचय की। दोस्तों, माउस को कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। माउस का हिंदी नाम दस्ती नियंत्रक होता है। यह आजकल इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटरों का मुख्य पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके द्वारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देश देने का कार्य किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं माउस के आविष्कार की। दोस्तों, माउस का आविष्कार सन 1964 में डॉक्टर डगलस इंजल बार्ट ने किया था। यह वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में SRI पर काम कर रहे थे। यह इंस्टीट्यूट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसे प्रारंभ में आधिकारिक तौर पर डॉक्टर डगलस इंजल बार्ट ने XY पोजीशन इंडिकेटर कहा था, लेकिन बाद में सन 1973 में जीरोक्स कंपनी ने इसमें कुछ परिवर्तन किए और इसका नाम माउस दे दिया। सन 1979 में एप्पल कंपनी ने भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस का विकास किया और इस पॉइंटिंग डिवाइस को कंप्यूटर के लिए जरूरी बना दिया। आइए अब हम बात करते हैं माउस की संरचना की। दोस्तों, माउस दिखने में कुछ ऐसा होता है, लेकिन हमारे घरों में भी एक माउस होता है जो शायद कुछ ऐसा दिखता हो, लेकिन आज हम इस माउस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं माउस की संरचना में क्या क्या चीजें होती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक लेफ्ट बटन दिया होता है, जिससे हम क्लिक करने का कार्य करते हैं। क्लिक का अर्थ होता है माउस को एक बार दबाना। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे बटन की। दोस्तों, दूसरा बटन इसमें दिया होता है राइट बटन, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ विशेष ऑप्शन खोलने का कार्य करते हैं। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इसमें एक घिरनी लगी होती है, जिसे हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। यह क्लिक भी होता है। यह माउस का बॉडी है, इसे माउस का वायर कहते हैं, और जिसके जरिए माउस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं उसे हम कनेक्टर कहते हैं। कनेक्टर यानी कनेक्ट करने वाला। आइए अब हम बात करते हैं माउस के प्रकार की। दोस्तों, माउस के प्रकार की बात की जाए तो माउस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने अपने द्वारा एक चार्ट से समझाया है कि माउस के कुल कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, माउस को तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला बटन के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा कनेक्टर के आधार पर। अगर बटन के आधार पर बात करें तो माउस के दो प्रकार बताए गए हैं। हम यहाँ अलग अलग प्रकार को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बटन के आधार पर माउस के प्रकार। बटन के आधार पर माउस दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला दो बटन वाला माउस, दूसरा तीन बटन वाला माउस। दो बटन वाला माउस में दो ही बटन हुआ करते थे, इसलिए इसे दो बटन वाला माउस कहा जाता था। बाद में इसमें बटनों की संख्या बढ़ाकर तीन बटन कर दिया गया, लेकिन इसको चलाना पकड़ना थोड़ा कठिन था। बाद में कुछ कंपनियों ने इसको सुंदर बनाने और इसे बहुत आसान तरीके से चलाने के लिए बीच वाले बटन को हटाकर घिरनी का रूप दे दिया, और आज हम इस प्रकार के माउस का ही प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस माउस को स्क्रॉल माउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्क्रॉलिंग के लिए एक घिरनी लगी होती है। तो आपने देखा टू बटन वाला माउस, थ्री बटन वाला माउस और स्क्रॉल माउस। आइए अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर। दोस्तों, संरचना के आधार पर माउस के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला बॉल माउस, जिसके नीचे एक गेंद लगी होती थी। जब यह गेंद घूमती थी तो माउस का पॉइंटर स्क्रीन पर घूमने का कार्य करता था। बाद में कुछ कंपनियों ने इस गेंद को हटाकर लेंस लगा दिया, जिसे ऑप्टिकल माउस कहा गया। वर्तमान समय में हम ऑप्टिकल माउस का ही प्रयोग कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं कनेक्टर के आधार पर। दोस्तों, कनेक्टर के आधार पर अगर बात करें तो माउस तीन प्रकार के बताए गए हैं। पहला PS2 माउस,
यानी गोल कनेक्टर वाला माउस। इसमें 6 पिन हुआ करता था। दूसरा जो माउस है वो यूएसबी माउस है, जिसका कनेक्टर यूएसबी की तरह हुआ करता था। और अगर तीसरे माउस की बात करें तो यह वायरलेस माउस है, इसकी पहचान वायर के बगैर की जा सकती है, यानी इस माउस में वायर नहीं लगा होता और यह रिमोट टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों अभी आपने देखा PS2 माउस, गोल कनेक्टर वाला माउस, यूएसबी माउस और वायरलेस माउस। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम रोजाना आप तक नए वीडियो पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।